हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खरीत से होंगे। डक्टन इन्फो यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम आपको टी बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके, और वीडियो स्किप मत करें। और प्लीज़ हमारे इस डक्टन इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे टी का जो साइज़ है वो है 60 mm by 80 mm, और उसकी लेंथ है 40 mm। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो बड़ा पाइप है उसका जो डाया है वो है 80 mm, और जो उसमें छोटा पाइप कनेक्ट हो रहा है उसका है 60 mm। और याद रखिए, लेंथ यहाँ से काउंट की जाती है, तो इसकी लेंथ है 40 mm। तो सबसे पहले हम छोटे डाई का जो है वो सर्कल यहाँ पर ड्रा करेंगे। हमारा छोटा डाया जो है वो है 60 mm, तो उसका जब आधा कर लें तो 30 mm। यहाँ से हम कंपास अपनी खोल लेते हैं 30 mm पे, और ये ऑलरेडी मैंने एक लाइन लगा रखी है, तो यहाँ पर से हम शुरू कर दें। आप भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये 30 mm का मैंने एक सर्कल लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो इसकी लेंथ है, इसके लिए यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो पॉइंट लगा देंगे, तो यह है 40 mm। तो 40 mm मेरा यहाँ पर आ जाता है, 1 2 3 4 40 mm। उसके बाद जो मेरा दूसरा डाया है वो है 80 mm, तो हम इसका जब आधा कर लेंगे तो ये हो जाता है 40 mm। 40 mm पे हम कंपास खोल लेते हैं, याद रखिए यहाँ से अब इसको उल्टा दायरा लगाना है। लेंथ को फॉलो करते हुए यहाँ से एक उल्टा सर्कल लगाना है इसे। ये देख सकते हैं, ये छोटा डाया, ये यहाँ से यहाँ लेंथ, और उसके बाद बड़ा डाया, ऐसे उल्टा सर्कल। अब हमने इस छोटे सर्कल के 7 हिस्से करने हैं। आप 7 भी कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं सिर्फ इसके 7 हिस्से करूँगा। कोशिश करें कि आपके पॉइंट एक्यूरेट रहें, इसी से ही आपकी अच्छे से टी बन पाएगी। दोस्तों 7 हिस्से हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब हमने यहाँ से सीधी लाइनें लगानी हैं इसको, इस दायरे तक, इस सर्कल तक। Number one.
एक्सीडेंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तो ऐसे आपने इसके सात हिस्से निकाल के फिर इसके ऊपर ऐसे सीधी लाइन लगानी है जो यहाँ तक इस सर्कल को फॉलो करे। तब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इसके बाद हमने एक और मज़ीद सीधी लाइन लगानी है यहाँ पर और ये सारे पॉइंट उस पर ले जाने हैं। तो ये सात पॉइंट के हिसाब से तकरीबन आपके 25 पॉइंट बन जाएंगे। ये आप काउंट करके भी ये पॉइंट सारे यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सीधी सी लाइन लगा लेता हूँ। सारे पॉइंट यहाँ से शुरू करूँगा यहाँ ड्रा करने। तो किसी भी एक पॉइंट पर अपनी जो कंपास है वो खोल सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट लगाना स्टार्ट कीजिए। ऐसे आप पॉइंट लगाते जाएं तो चेक करने के कंपास सही है। तो हम यहाँ से अभी पॉइंट लगा रहे हैं। चेक कर लेते हैं। याद रखिए आपने जब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करने हैं
तो यहाँ से स्टार्ट करने हैं, 7 से। और यहाँ से जब 7 से स्टार्ट करेंगे तो एंड में जाके 7 पर ही एंड होना चाहिए। तो गौर से देखिए, मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7। काउंट कर लेते हैं कितने पॉइंट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 पॉइंट हो जाते हैं। तो अब हमने इन सारे लाइन पर, इन सारे पॉइंट पर ऐसे सीधी लाइन लगानी है। कोशिश करिए कि आपकी लाइन सीधी रहे, मैं यहाँ सीधी लाइन लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक्यूरेट लगाना शुरू की तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने। तो यहाँ से आपने ऐसे लाइनें लगाना है सीधी सीधी, टेढ़ा हो गया, इसको कोशिश करें सीधा करने की। कोशिश कीजिए आपकी लाइनें सीधी रहें, इसी से ही आपकी अच्छे से टी बन पाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारी लाइन लगा दी हैं। तो ऐसे आपने नंबरिंग देनी है जैसे मैंने दी है, इसके पहले 7 ऐसे करने हैं, 7 पॉइंट देने हैं और फिर ऐसे नंबरिंग दे के फिर यहाँ से शुरू करना है पॉइंट नंबर 7 से, और यहाँ से 7 6 5 4 3 2 1, और फिर वहाँ से 2 3 4 5 6 7, और फिर सीधा 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, बल्कि यहाँ से ठीक 1 यह है पॉइंट, उसके बाद 2 3 4 5 6 7,
तो ये कुल मिला के 25 पॉइंट हो जाएंगे। इससे नीचे रब कर देता हूँ ताकि आप पॉइंट नजर आए सही से। ये आपने ऐसे पॉइंट लगाने हैं सारे। अब हमने ये सारे पॉइंट यहाँ से जितनी जितनी इनकी लेंथ आ रही है वो यहाँ हमने ऐसे ऐसे सारे पॉइंट ड्रा करने हैं। तो ये सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 7 से। तो ये पॉइंट नंबर 7 और हम पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर इसका पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट नंबर 7 है उस पर भी ऐसे ही हम एक पॉइंट लगा देंगे ऐसे ही। तो ये पॉइंट नंबर 7 है, ये हमने पॉइंट लगा दिया। और ये आखिर में पॉइंट नंबर 7 है, इस पर भी हम एक पॉइंट यही सेम ही लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ से ही उसकी भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पर अगर हम आ जाएंगे अभी, तो यहाँ से पॉइंट नंबर 6 आप देख सकते हैं, और यहाँ से पॉइंट नंबर 6, यहाँ से पॉइंट नंबर 6, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक 6 नंबर पॉइंट है और यहाँ पर भी एक 6 नंबर पॉइंट है और ये आखिर में भी एक है। तो यहाँ पर भी हम एक सेम पॉइंट दे देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, उसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पर भी 5, पॉइंट नंबर 4, तो ये यहाँ पॉइंट नंबर 4। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3, ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर भी है पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर भी है पॉइंट नंबर 3, इस साइड भी है पॉइंट नंबर 3। तो ऐसे आपने पॉइंट लगाने जाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आखिरी हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, तो ये हमने इसकी सारे पॉइंट यहाँ पर ड्रा कर दिए। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी के मुताबिक ओवरलैप रख सकते हैं, इस साइड पर या इस साइड पर। तो मैं यहाँ पर फर्जी तौर पे एक सेंट्री का ओवरलैप ले लेता हूँ।
ये मैंने यहाँ पर ओवरलैप ले लिया, आप यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 उठाकर इस पर अगर लगाएं तो ये एक्यूरेट आ जाएगा। कटिंग के लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, आप गोल करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसके ये सारे पॉइंट मैच करने हैं आपस में ये सारे, और उसके बाद ये ओवरलैप, ये लाइन और ये सारे पॉइंट हम काट लेंगे यहाँ से और हमारी ये टी बन जाएगी। कोशिश करें कि आपके पॉइंट सही रहें, इसी में आपकी यहाँ पर साफ सफाई से टी बन पाएगी। अगर आपके पॉइंट ठीक नहीं होंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके पॉइंट सही से मैच नहीं करेंगे। कोशिश करिए आपके पॉइंट एक्यूरेट रहें। हाथ से मिला लेता हूँ, मेरा हाथ उल्टा हो रहा है। तो ये दोस्तों हमने सारे पॉइंट मार्क कर लिए हैं, अब हम इसकी इस लाइन से और ये आखिरी लाइन से और यहाँ से इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो यहाँ का हिस्सा रहता है, हमेशा के लिए याद रखिए। पॉइंट नंबर 1 जो होगा आपकी वही लेंथ रहेगी जो ये लेंथ रहेगी। अभी आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने इसका लेंथ जो थी 40 mm रखी थी, तो ये आप देख सकते हैं ये 40 mm है एक्यूरेट पॉइंट नंबर 1, यही हमारी इसकी लेंथ रहती है, हमेशा के लिए याद रखिए। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 40 mm है। अब यहाँ से बनाते वक्त भी, लेआउट लेते वक्त भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी टेम्पलेट बन गई।
60mm बाई 80mm की टी की टेम्पलेट। अब मैं आपको इसको असेंबल करके भी मेजरमेंट लेके बता देता हूँ कि हमारी टी कैसी बनी है। तो दोस्तों मैंने इसको असेंबल कर दी है, आप देख सकते हैं कुछ इस शक्ल की टी होती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका साइज़ भी चेक करा देता हूँ। देख लें, एक्यूरेट 60mm। और ये इसका ऊपर वाली जो इसकी कटिंग है, ये 80mm के पाइप पर फिक्स आ जाएगी और यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो काउंट की जाती है पॉइंट नंबर वन से। तो ये देख सकते हैं आप, 4mm इसकी लेंथ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे डक्टिंग इन्फो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।